वैसे तो भी वेणुगोपाल जी अपनी बात करेंगे आपको जो हालात है देश में क्या होना है। मैं आपको कुछ बातें पिछली बार में भी कितना वो मैं रिटर्न नहीं करना चाहता, खाली आपको भी बैठे थे और रात को नवीन जी सीरियस लोग थे, एम एल ए सामान भी आ रहे थे। वेणुगोपाल जी में रवि शर्मा जी में बेटी भाई ने हमने खुल के बातें हमने करी। हम चुनाव जीतने के लिए मैदान उतरे हुए, चुनाव जीतने के लिए मैदान उतरे हुए कांग्रेस। कुछ लोग भ्रम फैलाते रहते हैं कांग्रेस सीरियस होने के लिए, हो ही नहीं सकता। जब पिछली बार राहुल गांधी जी ने 3 महीने लगाए वहाँ इस प्रदेश के अंदर, और वो प्रदेश जब आप सोच सकते हो कि 27 साल से यहाँ पर इस प्रकार के शासन कर रहा है, अब उसी पोल भी छोड़ रही है और अब मर्यादा एक मॉडल के रूप में है। परंतु वास्तव में अभी सड़कें बर्बाद हो गई। उस जमाने में सड़कों पे घर होता था, गुजरात वास्तव में हम ईर्षा करते थे कि राजस्थान बहुत पीछे है क्योंकि सड़कें, मैंने पहले कहा आपको कि गुजरात से आते थे लोग तो कहते थे आप तो आराम से नीचे जाते हैं, यदि दिन खुले और समझ राजस्थान आ गया, ऐसी स्थिति अब उल्टी हो गई है। अब राजस्थान जाते हैं लोग आराम से, सड़कें जो है फसला राजस्थान के गुजरात में आती सड़कें हमारी नहीं कोई जाती है, इतना बड़ा फर्क पड़ गया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमने सोचा मैन्युफैक्चर जो बने जो राहुल गांधी जी ने कहा है पब्लिक क्या सोचती है वो मैन्युफैक्चर बने, ये प्रयोग राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी कई प्रदर्शन किया, राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ में था, मध्य प्रदेश में था और कुछ हद तक गुजरात में था। इस बार भी हमारे मिस्टर बाबरिया जी हैं वो लगे हुए हैं मेरी ट्रस्टों के लिए, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और वो पूछ रहे हुए आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार के निर्देश चाहिए। कुछ पाएंगे हमारी कांग्रेस की नीतियाँ, प्रिंसिपल प्रोग्राम जो कांग्रेस के हैं उसके आधार पर हमने जो काम किया राजस्थान में वो भी हमने सोनिया जी और राहुल गांधी जी का जो मीटिंग हुई बची कमेटी थी या उदयपुर का अधिवेशन हुआ, उदयपुर विधेयक हुआ, उस भावना को रख करके हम काम कर रहे हैं राजस्थान में और ऐसे ही नवाचार कर रहे हैं। मैं आप मित्रों से शेयर करना चाहूँगा तो वही हमारे अगले मैनिफेस्टो आएंगे, कुछ पॉइंट जो हमने वहाँ पर किए तो उन्हें बहुत सारे ज़्यादा काम किए और कुछ पॉइंट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जिससे कि यहाँ की जनता भी सरकार पर दबाव बनाए, यहाँ के जो कर्मचारी है सरकारी वो भी दबाव बनाए, वहाँ के यहाँ के युवा जो है जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं या जिनकी नौकरी लग गई है उनको जो मिलना चाहिए रेस्पेक्ट या जो उनके लिए कोशिश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे कि आपको लगे कि वास्तव में हमने कुछ करके दिखाया। उसका नंबर एक बात तो है हमारी स्वास्थ्य योजना, वो मेरा दावा है पूरे कंट्री में कहीं शोर नहीं है, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ आपको, और हो सकता है कि विश्व के अंदर भी मैं नहीं कह सकता है तो मेरी जानकारी नहीं है, संभवतया विश्व के अंदर भी कोई भूमि लेकर ले लो होगी तो छोटे मोटे राष्ट्र के अंदर इतना शानदार हमने योजना बनाई है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके। और मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर मैंने मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है, अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करी है राजस्थान में आते हमारा जो मॉडल है राजस्थान का स्वास्थ्य सेवा का उसको आप अपने देश में लागू करवाएं। अभी जो उनका मॉडल है नाम उसका आयुष्मान भारत, वो आधा अधूरा है, आधी पब्लिक का भी नहीं है, वो सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उन्हीं तक सीमित है। हम चाहते हैं कि पूरी पब्लिक के लिए राजस्थान में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं, ये योजना सबके लिए लागू है, राइट टू हेल्थ की तरह है, राइट टू हेल्थ अधिकार है हमें साथ लेने का उसमें हमने नाम दिया चिरंजीव मुख्यमंत्री किडनी साठ बीमा योजना, उसमें 5 लाख की जगह 10 लाख कर दे बीमा, उसमें आईपीडी फ्री कर दी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस भी, सब कुछ फ्री, दवाएं फ्री। वो पहले से हमारा था, उन्होंने और आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट या आपका लिवर ट्रांसप्लांट या आपका हार्ट जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं, कब्जे ट्रांसप्लांट के बच्चों को सारा हमने फ्री कर दिया है। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में 10 लाख का बीमा जो है, मान लो एक परिवार में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर और 6 लाख ही बचे हुए हैं, और उनके घर में तकलीफ आ गई है किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट को, तो 15 लाख लग जाना है। तो हमारी योजना इस प्रकार की बनाई हमने, 6 लाख भी बचे रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, और 15 लाख जो खर्च होंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, वो खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, वो खर्चा उठाएगी, ठीक है। प्रीमियम जो है वो सरकार भरेगी, बीमा कंपनी का प्रीमियम सरकार भरेगी, और साथ में कुछ इनकम टैक्स वाले हैं ऐसी कैटेगरी है, वो खाली 850 रुपये दे सकते हैं। इस स्कीम के साथ में हमने जोड़ दिया है 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा, वो भी इस स्कीम के साथ में, सिलेंडरी योजना के साथ में है। एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट के अलावा आ गई, जैसे बरसात भी आ गई, लोग पहले हैं, रास्ता में बहुत लोग पहले डूबे बच्चे, उन सबके परिवार को 5-5 लाख रुपये मिल रहे हैं। ये स्कीम इस प्रकार की चीज है। और लास्ट में स्कीम के बारे में जानना चाहूँगा, 1,35 करोड़ परिवार है जिनको स्कीम लागू हो सकती है। उन सबके परिवार में महिला मुखिया है, उन लोग स्मार्टफोन ले रहे हैं, 3 साल का इंटरनेट फ्री, जिससे कि वो स्कीम के बारे में भी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी, और दृष्टि में सरकार के हमारे हैं, हमारे माध्यम मित्र है 80,000 मित्र, जाते करीब 100 से ज़्यादा सेवाएं ले सकती है, घर बैठे मोबाइल फोन ले सकती है। तो ये हमने स्कीम बनाई है, जो हम चाहेंगे यहाँ पर है, हमने किया है हमारे वेणुगोपाल जी के सामने में, ये हमारे सेंट्रल महामंत्री हैं, यहाँ के मैनिफेस्टो में ये स्कीम डालेंगे हम लोग। अगले मैनिफेस्टो में चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की तर्ज पर एक स्कीम यहाँ पर सम्मिलित की जाएगी, राइट टू हेल्थ के लिए। एक तो ये बात है, दूसरा ओल्ड एज पेंशन है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ओल्ड एज पेंशन एक मान्य दृष्टिकोण में की गई है। ओल्ड एज पेंशन जो है वो एक प्रकार से मान्य दृष्टिकोण है। 1 तारीख 1/4/2004 के बाद में जो नौकरी लगी है, उनके लिए ये हो गया है कि आपको पेंशन मिलेगी शेयर मार्केट के आधार पर। आप सोचिएगा, पैसा कटाएगा वो खुद सरकार कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, और उस पर जो जमा होगा शेयर मार्केट जमा हो रहा है, शेयर मार्केट उस पर क्या है उसके आधार पर पेंशन मिलेगी। अब यूक्रेन गई तो आगे माने शेयर मार्केट गिर गया, तो एक 35 साल जो नौकरी करता है उसको लगता है पता नहीं शेयर मार्केट उसको कितना होगा, उस जगह मिलेगी, तो इनसिक्योरिटी फील करता था वो। अब हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करके सिक्योर कर दिया है, तो डीए भी बढ़ेगा ओल्ड एज पेंशन में। जो ओल्ड एज पेंशन में जो लगा रखे हैं हम लोगों ने सुविधाएँ, वो तमाम मिलेगी वापिस। तो ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। पूरे देश के अंदर कर्मचारी लोग दबाव देने अपनी सरकारों पर, सरकारें मान नहीं रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया। इस तरह हमने कर्मचारियों के लिए, आप समझेगा जैसे संशोधन स्कीम है भारत सरकार में कर्मचारियों के लिए भी, नंबर पार्लियामेंट के लिए भी, उसी तर्ज पर हमने राजस्थान के लिए कर्मचारियों के लिए आरजीएसएस स्कीम कर दी। हमने पूरा खर्चा कर्मचारियों का, पहले फी जमा कराओ कम ज्यादा, अनलिमिटेड खर्चा उनके इलाज के लिए होगा, वो भी मैनिफेस्टो आएगा। यहाँ पर ये पार्टी में निवेदन करना चाहता हूँ, ओल्ड एज पेंशन लागू हमने कर दी। उसके अलावा जो है कृषि बजट हमने अलग प्रस्तुत किया, राजस्थान में नया नवाचार किया है कृषि बजट, उसी तौर पर यहाँ कृषि बजट अलग पेश किया जाएगा। गुजरात के अंदर किसानों को प्रायोरिटी देते हुए ये मतलब मैं आपको नहीं कहना चाहिए तो आपके बहुत पॉपुलर डिमांड है। कल उन्होंने पत्रकार मित्र कह रहे थे दिन को बिजली दो, सुबह बिजली दो, रात को मत दो। ये हमारे वहाँ भी चल रहा था, हमने 16 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी हम इस साल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सरकार आएगी तो दिन को बिजली दी जाएगी किसानों को, जो उनकी पॉपुलर डिमांड है। 5 रुपए दे रहे हैं हम लोग प्रति लीटर दूध के बोनस दे रहे हैं किसानों को, वो यानी 5 रुपए बोनस दिया जाएगा। इंदिरा गांधी के नाम से हमने जो नरेगा है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया हमने। नरेगा के तहत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की हमने, जो नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलेगा राजस्थान में। पानी आप Yes, sir. Please carry on. तो एक मैं आपको निवेदन कर रहा था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना नरेगा के तहत पूरी जगह नरेगा चल रहा है, वो 100 दिन का रोजगार देने के लिए चल रहा है। हमने 25 दिन स्टेट गवर्नमेंट के खर्चे से एक्स्ट्रा कर दिया है, जो 100 दिन पूरा करेगा वो 25 दिन और करेगा। एक में 8 रुपए में इंदिरा रसोई योजना शुरू हो रही है, सबको शो करना वो बहुत पॉपुलर हो रही है। 8 रुपए में मिले वो भी काफी कर सकते हैं। एक हमने प्रयोग किया जो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंग्लिश स्कूल जो है कंट्री में पहला राज्य राजस्थान है, गाँव के अंदर हमने अंग्रेजी स्कूल खोलना शुरू किया। ये स्कूल में क्रांति मानता हूँ, आने वाले 10-15 साल के बाद में बच्चे जो है प्राइमरी से ही इंग्लिश बोलना अगर शुरू कर दें, क्योंकि कई वीडियो आने वाले हैं, तो उनकी जिंदगी के अंदर बड़े होने पर IT पे जो आज माहौल है दुनिया के अंदर, बिना अंग्रेजी के काम चलता नहीं है। IT और कंप्यूटर और मोबाइल फोन आ गए हैं, उसमें इंग्लिश के बच्चे हमारे जो हैं नॉर्थ इंडिया के विशेष करके वो इंग्लिश बोल नहीं पाते। मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, बचपन जब मैं अंग्रेजी खिलावट करी थी साउथ में, जो तमिलनाडु वाले हिंदी खिलावट करते थे, तो हमारे बचपन में वो टाइम था, अभी भी वही है। आपने कहा हमेशा नहीं बोले हिंदी के बारे में, कितना रिएक्शन हो गया था उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तय किया कि अंग्रेजी स्कूल में जो प्राइवेट सेक्टर है तो बहुत महंगा है वो, और बहुत ही कॉस्टली फीस होती है, 1.5 लाख फीस लगती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। हम अपने सरकारी स्कूल में अंग्रेजी खोल रहे हैं, वो भी AI पर प्रयोग होगा मैन्युफैक्चर के अंदर, तमाम गाँव के अंदर भी अंग्रेजी स्कूल खुलेगी। हमारे वहाँ इतनी भीड़ बढ़ रही है बच्चों की, लॉटरी खोली बढ़ रही है बच्चों के लिए, लॉटरी खोली बढ़ रही है एडमिशन के लिए। ये स्थिति बन गई राजस्थान में। एक हमारे जो रिको है आपके यहाँ गुजरात डेवलपमेंट का नाम होगा, हमने वहाँ हर ब्लॉक में रिको क्षेत्र बनाए, हर ब्लॉक के अंदर जिससे कि लोकल लोगों को छोटे बड़े उद्योग लगाएंगे, वहाँ पे उनको सुविधा मिल जाएगा। ये मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि बाकी करना बहुत सारी बात है। हम लोग 3 लाख नौकरी लगाने हैं, 1 लाख घूमते चार लक्ष्य किए, 1 लाख का कॉलेज चल रहा है और 1 लाख मैंने अनाउंसमेंट किया है। हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस चल रही है, शानदार स्कीम लाए हम लोग, और हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चर हमारे यहाँ आए और कांग्रेस सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम लोगों ने कर रहा है। गुजरात को पिछली बार जो सीरियसनेस थी वही सीरियसनेस इस बार में ज्यादा रहेगी। जितने का 27 साल किसे कहते हैं, 27 साल में शासन किया। 70 साल के पहले कांग्रेस शासन यहाँ पर था। आज 75 साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आज की 75 साल की यात्रा तय की है, उसमें कौन कौन मुसाफिर किए, इन्होंने उसको यात्रा को यहाँ पे पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि उनके योगदान को ये सरकार कोर्ट नहीं कर रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बगैर तो अमृत महोत्सव क्या हो सकता है, और मनाया जा रहा इवेंट के रूप में मैं समझता हूँ वो अच्छी बात नहीं है। असली अंतिम यहाँ बात में यही है, असली जो है अगर सेक्रेटरी उनको बताओ, वरना पीढ़ी को हमारा जो लंबा सफर तय हुआ पिछले साल का, मोदी आते विदेश अमित का सम्मान जिंदा है। यहाँ पर जो सबकी हवा है, विकास पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, साइंस में, उसके कारण आज आप सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ये नहीं बोलना चाहिए। अमृत महोत्सव मनाएं, उस रूप में हम सब साथ देंगे उनका। इतना कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसमें सब मिलकर हम चलें। तो जिस प्रकार वो भेदभाव कर रहे हैं, उससे अमृत महोत्सव नई पीढ़ी को जो असली घर होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। और वो नहीं हो पाएगा तो वो आने वाले जो लोग हमारे देश को, उसमें मोदी जी है, उनके बाद में जो लोग आएंगे उनके साथ वो वही व्यवहार करेंगे, सीखेंगे आगे। तो मैं ये कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है। एक क्रांतिकारी योजना आ रही है और हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाए और गुड गवर्नेंस दे। गुड गवर्नेंस दे, ये हमारा ध्येय है। अब मैं वेणु कुमार जी की हमने पहले वो भी बात की। Namaskar. Good morning to everybody. I am also sharing the sentiments for my Ashok Gandhi today morning. They have got it, so we disturb you people for this press conference. Anyway, thank you for coming. Ashok ji here explained the election preparation of Congress Party for upcoming assembly elections. We had a 12-hour continuous meeting. Yesterday 2:30 started our meeting till 2:30 in the morning. We had a meeting with the BCC office bearers, BCC presidents, our MLAs. After that, our senior leaders, all of the senior leaders, sit together for around 4 or 5 hours to discuss the campaign plan and the election preparation. As Ashok ji here told like that, here there is a clear-cut anti-incumbency against the BJP government. Last 27 years rule of BJP has created a total disappointment in the minds of the people. On one side they are telling about the Gujarat model of BJP, but Gujarat model as shown by Congress party all over the country. We are very proud of this. Is the land of, this is the birthplace of Mahatma Gandhi ji, this is the birthplace of Sardar Vallabhbhai Patel. Therefore, Gujarat is the prime land of India. We are really proud of Gujarat. Gujarat, in past years, when we were in power, 27 years before, we showed the path to the country for developments, for social engineering, all these type of activities. But now what is happening, you know that. If you ask the people, wherever you ask the people, they are very much fed up with this government. 9 months before, they themselves proved that. 9 months before, they changed the entire cabinet, including chief minister. They changed the entire cabinet of the Gujarat. I saw that few days before, two of the minister lost their portfolio. Revenue and PWD minister lost their portfolio. What does it mean? They themselves are in an agreement that the government is totally corrupt and government is ineffective. Otherwise, what is the point of changing all the ministers? What is the point of changing the portfolio of two ministers just 3 months before the election? Our chances are very bright. Whatever perception created by some section of the media, I am telling very frankly, some section of the media and the BJP and some other parties is not really a right perception. Here is the, we assessed it, we analyzed it, and here there is a clear-cut anti-incumbency than previous election. Previous elections also, you people know that better than me, that there was a feeling that Congress didn't do anything. Because it will be a poor show, it would be a poor show of Congress. But what happened? We lost Gujarat for 2, 3, 4, 5 seats. This year, ज़्यादा anti incumbency है, ऐसा रोग है लोगों के मन में. So we are very much sure that we are going to form the government in Gujarat. Therefore, yesterday we had decided for a clear-cut 90 days countdown program. From today onwards, today 12 o'clock onwards, our senior leaders will sit and check out the program day 1 to day 90. Which are the programs? Then we will show the people of Gujarat that Congress is highly serious on this election. We will fight with unitedly, we will fight with aggressively. This is what I want. You know that. Gujarat, the BJP is talking about the BJP model of Gujarat. What is the BJP model? 70 people died due to the illicit liquor. That is the land, that also the land of Mahatma Gandhi. Can you imagine? 70 people. I am told by that. I have gone for some research also. If I am wrong, you can correct it also. Last 15 years, around 750 people died due to illicit liquor. 750 people's life had been lost by illicit liquor in Gujarat. Is this the BJP model of Gujarat? How can we say that like that? And not only illicit liquor, drug. Gujarat, Mudra become the hub of that drug mafia. What is the answer from the government side? We can understand one time it will happen and then police or otherwise agency sees it. It can be happen one time. Every time it is repeating. What does it mean? The word drug, illicit liquor. Is the Gujarat model of BJP? Ashok Ji were told that we had a model in Chhattisgarh and Rajasthan for poor people policy. That is a Congress model, which we had done Gujarat before 27 years. Whatever we are promising, we are going to deliver. Here, the Congress party is very much proud of Gujarat people. We are very much proud of Gujarat. Gujarat have its own legacy. We have to project that legacy. We will try to project and save the Gujarat legacy through the Congress programs and policies. This is what we decided, and for this program, I told you about the 190 days program. An entire campaign will be launched by Rahul Gandhi on 5th of September. He will come here and he will have a massive launching program on election preparation on 5th of September. This is what I would like to mention. सोनिया गांधी जी ने आपको राष्ट्रीय सर काफी अच्छी बात चल रहा है, लेकिन एक संभावना ये जताई जा रही है कि आप जो टिकट अपने एमएलओ को देने वाले थे यदि चुनाव में उनका सिलेक्शन हुआ तो ऐसा कोई बी प्लान है कि वो चुनाव में खड़े रहे और बीजेपी से ना मिल जाए तो आपके कोई बी प्लान खड़ा होगा इस टाइम पे? सर सोनिया गांधी जी ने आपको राष्ट्रीय प्रमुख पद ऑफर किया है ऐसा सुनने में आया है, अगर आप वो स्वीकार करते हैं पार्टी प्रेसिडेंट बनना तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं तो मीडिया वाला सुन रहा हूँ, आज मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरे मीडिया मित्र आगे कहते दिल्ली में भी कि भाई आपका मन दे रहा मुझे पता ही नहीं, पहले तो मैं मीडिया वालों का पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ भी बात। आपके पास कोई प्रारूप होगा कि आप स्वीकार करें तो फिर राजस्थान में? मैं तो देखो जो मुझे हाईकमान ने काम दे रखा है, एक गुजरात का मुझे बना रखा है सीनियर अफसर के नाम से, मैं वो ड्यूटी निभा रहा हूँ। दूसरे मुझे दे रखा है मुख्यमंत्री का काम देने का, उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, राज्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑफिस बने ये हमारे देश है, बस ये बाकी मुझे सर ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है राजस्थान में। मनीष भाई सर पिछली बार जो कांग्रेस ने उम्मीदवार डिक्लेयर किए उसके बाद में उम्मीदवारों के नाम दूसरे बदले, उसके कारण सूरत में जो वातावरण बना था वो बिगड़ गए और कांग्रेस की सरकार आते आते नहीं आई, तो एक बार उसके लिए क्या प्लानिंग है कि सर एंड टाइम के उम्मीदवार न बदले जाए? बीजेपी वाले इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र में, इन्होंने वहाँ इनकम टैक्स वालों को भेज करके वहाँ 2000 लोगों को भेजा, मैंने सुना है तो सच्चे तो आप जरा जानते हो, जलाया धमकाया व्यापारियों को, पूरा डायमंड का वहाँ पे व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी है, इतना दबाव बनाया कि जहाँ जिस सूरत के अंदर अमित शाह की मीटिंग में कुर्सी फेंकी गई हो वहाँ वो जीतते चुनाव, हम आगे कहने आ सकते हैं ये उनका मॉडल है, बहुत खतरनाक मामला उनका, उसे बचाओ गुजरात को, ये मैं कहना चाहूँगा। ऐसा मॉडल है आप ही बता रहे हो कि जहाँ पे कुर्सियाँ बैठी थी वहाँ पे भी वो जीत गए थे, ये तो उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे आप किस तरीके से लड़त लड़ रहे हो उनके साथ? अरे भाई वो तो उनकी गुंडागर्दी है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई के आधा में चुनाव जीतने लगे, आजकल तो सरकारें गिराने लगे हैं, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में बदान लग गए, वहाँ पर मणिपुर में, ये जम्मू कश्मीर है वहाँ पे। नहीं फिर भी आप मानते हो कि गांधी जी के रास्ते चलते यहाँ पे जीता जा सकता है? जब जनता तय कर लेगी मन के अंदर तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी संभव है। गहलोत साहब आप कह रहे हैं कि हाई कमांड जो कहेगा, लेकिन वो एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है राजस्थान में कि आपका जो है भावी मुख्यमंत्री तय हो या प्रदेश अध्यक्ष भी तय हो, ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है राजस्थान में। आप केरल सरकार ने जो 11 विधेयक पास किए थे वो राज्यपाल ने उसे मंजूर नहीं किए, क्या कहना? Every day you are giving importance to other parties, not giving importance to Congress party in Gujarat. You have to give that importance. I don't want to dilute. Thank you. Hello, जी आपको जिस तरह पूरा मुद्दा जो अपने राजस्थान सरकार की जो बात की अलग अलग मैनिफेस्टो की बात है, पूरे देश में जो महंगाई का मुद्दा चल रहा है तो राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार तो गुजरात में मैनिफेस्टो में ऐसा क्या चाहता है महंगाई कम हो इसके लिए? बिल्कुल तमाम कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान हम लोग उठा रहे हैं, हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए वहाँ पर, हमारे पीछे गवर्नेंस इस प्रकार का है। अभी जो तीसरी में जा रही है सोशल सिक्योरिटी में आप लोगों मदद कर रहे हैं, तो महंगाई की मार हो रही है, बढ़ गई महंगाई और साथ में कोरोना ने और ज़्यादा मार कर दी है। पत्रकार मित्रों को मालूम हुआ क्योंकि नौकरी जा रही है, जो जनता कम हो रही होंगी, जनता कम कर रहे तो हालात भी बना रखे मेरे के नाम से या बेरोजगारी नाम से। तो उस स्थिति में राजस्थान सरकार पूरी तरह शिक्षित है और राज्य सरकार बनने के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जो मुद्दा भी कांग्रेस बनाए बेरोजगारी का और महंगाई का, तो नेचुरल सरकार आती है हमारे दोनों पॉइंट होंगे गुजरात में भी और मैन्युफैक्चरिंग जो पॉइंट किस प्रकार महंगाई के लोग होगी और किस प्रकार बेरोजगारी पे। देखिए हमने सरकार बनते ही जो है ना, हमने जो सरकार बनते ही MSME एक्ट लेकर आए हम लोग। MSME एक्ट जो माइक्रो मिडल जो इंडस्ट्री है, 3 साल में परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये चीनी योजना है हर परिवार में महंगाई के कारण क्या वैसे भी पैसा खर्च होता है इलाज के लिए, मकान बेच जाते हैं। तो आज ये महंगाई की मार को कम करने के लिए तो ये सोशल सिक्योरिटी है। सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को देना आसान है, 1 करोड़ लोगों को राजस्थान में दे और कोई फिटबट नहीं है परिवार के अंदर। विधवाओं को, बुजुर्गों को, एकल नारी को, दूसरे जनों को हमारे वहाँ तमाम स्कीमें चली, सोशल सिक्योरिटी चली। गुजरात में कई एमएलए चुनाव आता है तो कांग्रेस के कई एमएलए छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, पास्ट में भी कई ex-MLA भी गए, उनके पहले भी कई एमएलए गए। क्या हमें उसके बारे में डैमेज हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? गुजरात में 17 में भी ये हालत हुआ था। देखिए इस बार जो स्क्रीनिंग होगी वो एक तो आप जो कह रहे हो तो अनफॉर्चुनेट है। गांधी के प्रदेश के अंदर, जिस गांधी का नाम दुनिया के अंदर है, उस प्रदेश में ये भी नवाचार है बीजेपी का, चुनाव जीत जाओ सरकार बना लो उसके बाद ही तोड़ रहा बीजेपी कांग्रेस बनूंगा। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। ये मॉडल गुजरात मॉडल है जिसकी वो तारीफ करते हैं कि आप जीते हुए एमएलए तोड़ रहे हो कांग्रेस के, पिछला लड़ा रहे हो। ये पैसे का खेल है, जो पैसा जो लूट मचाने की बीजेपी ने देश के अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड से और धमका करके को उसका एक मॉडल है। उनका पूछने वाला नहीं है। आपके पूरे देश में ऑफिस बन गए हैं, करोड़ों रुपये लग गया। ईडी को 56 वहाँ मारना चाहिए इनको, ईडी आतंक मचा रखी है। नॉन बीजेपी के लोग जो है पार्टी के उनके आतंक मचा रखी है। पार्टी ने अपनी उम्मीदवार डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस बार अपने उम्मीदवार एडोस में जाहिर करेगा। आम पार्टी ने अभी से उनके उम्मीदवार डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आई वोट yesterday we decided to start the procedure of candidate selection before September 15. We will release our first list of candidates. कुछ पुराने नेता जो कांग्रेस छोड़ के चले गए, अभी वो थोड़े दुखी है, फिर वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। तो उनको लेके क्या बातचीत चल रही है? क्या उनको वापस घर वापसी होगा, नहीं होगा? किस तरह से उनको वापस कांग्रेस में लिया और रेवड़ी पे ही गुजरात में आगे नेता बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसको किस तरह से लेती है और चुनाव में इस बिगड़ने को किस तरह से रेवड़ी कहाँ सोशल वेलफेयर होती है, अलग अलग गवर्नमेंट की जो अच्छी होती है, वित्तीय प्रबंधन होता है, उस हमने स्कीम में दौड़ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उससे ज़्यादा कहना हमारा उचित नहीं होगा, परंतु रेवड़ियाँ नहीं होती है, सोशल वेलफेयर स्कीम होती है जो कि जरूरत होती है। दुनिया के मुल्कों में भी सोशल सिक्योरिटी है। आज वक्त आ गया हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी, हमने हेल्प दिया है, उसी ढंग की स्कीम मैंने सोशल सिक्योरिटी है। आप बोलो गहलोत जी, 45 मिनट से प्रेस वार्ता हुआ, उसमें 35 मिनट आपने राजस्थान की बात की है और क्या इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं या अप्रूव करके दिखाएंगे। दूसरी बात अगर नहीं है तो 36 कौमों को लेकर बात करते हैं सर, लेकिन वहाँ पे सिख समुदाय 15 से 25 लाख की आबादी है राजस्थान में, वो आंदोलन करने में तुले हुए हैं। राजस्थान से लेके जयपुर से लेकर हमारे माहिती है, इसलिए छत्तीस की कौम की बात आपने करी। हमारे वहाँ पर कांग्रेस में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम लोग सबको साथ लेके करते हैं। उसका उदाहरण मैं खुद ही हूँ, मेरी कम्युनिटी का पूरे विधानसभा में ये झमेले हैं और वो मैं खुद ही हूँ।